तो हमारा वायदा है आपसे कि आप जब जीएनटी चैनल देखेंगे तो रिमोट भूल जाएंगे, क्योंकि हम कार्यक्रम ही ऐसे ऐसे लेकर आएंगे। तमाम खबरों के साथ हर रोज हम कुछ स्पेशल भी दिखाएंगे, और इसीलिए मैं सेट पर बुलाती हूँ अनंत भट्ट को। दुनिया अच्छाई पर टिकी है, बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। वेलकम अनंत, हाउ आर यू? धन्यवाद धन्यवाद, एंड वेलकम टू गुड न्यूज टुडे। यस यस, और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी पता है, चेहरे से स्माइल थोड़ी मुझे कम लग रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल स्माइल है। तो दिखाइए जरा दर्शकों को, खुला आकाश है स्माइल का। क्या स्पेशल लेकर आने वाले? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नवजोत ये बताना चाहता हूँ कि जो अच्छाई है वो अनंत है, वो असीम है, और अच्छाई के इस आकाश को हम तलाशेंगे, और उसमें से जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है, देश में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, उसको हम जीएनटी स्पेशल के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यानी कि हम जमीन से ब्रह्मांड तक जीएनटी का लेंस सब कुछ देखता रहेगा, और जो अच्छा लगेगा दर्शकों के सामने होगा। क्या बात है अनंत, मतलब भारी भरकम वर्ड्स के साथ। वैसे मुझे तो ये लग रहा था कि हम कुछ नेगेटिव या सिक्के का बस एक ही पहलू दिखाएंगे, मतलब आप पूरा एकदम बोथ साइडेड लेकर आएंगे। देखिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि छोटे से एग्जांपल से बात समझाता हूँ। पानी का आधा ग्लास भरा है, आधा खाली है, तो हमें दोनों को ही सामने रखना चाहिए। अपना अपना नजरिया होता है हर इंसान का सोचने का, लेकिन मुझे जहां तक मेरी बात है तो मैं हमेशा भरा हुआ ग्लास ही देखता हूँ। अच्छा अनंत, अनंत जो हमारे मित्र हैं वो हरियाणा से हैं। अब इसको जरा हरियाणवी भाषा में बोल के दिखाइए। ये गिलास है आपके सामने। तो भाई, किसी ने पानी का आधा गिलास भरा दिखे है, हाँ। और किसी ने खाली दिखे, मैंने तो भरा दिखे, तारीफ पता नहीं है। तो ये टच रहेगा आपके शो में? बिल्कुल रहेगा, जहां जरूरत होगी वहां पे टच रहेगा ये वाला। स्माइल कितनी होगी? स्माइल भरपूर होगी। गुड न्यूज टुडे का मतलब ही है हंसते रहिए और अच्छाई से रूबरू होते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच अनंत, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुभकामनाएं। हमें भी इंतजार होगा आपके शो का। खबरों को सिर्फ सतही तौर पर हम नहीं दिखाएंगे, हम खोलेंगे उसकी तमाम परतें। एक ही खबर को घिसते रहने की हमारी फितरत नहीं है। शाम 7 बजे आपके सरोकार के सवाल उठाएंगे, गुड न्यूज के गुनेगारों को कटघरे में खड़ा करेंगे। आशुतोष चतुर्वेदी, आशुतोष वेलकम टू गुड न्यूज टुडे। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवजोत आपका। आशुतोष, आपकी स्माइल जो वॉकिंग स्माइल है ना, वही बता रहे कि आप बहुत खुश हैं। आज की गुड न्यूज बताइए पहले। बहुत खुश हूँ क्योंकि नई शुरुआत है और नया चैनल, लेकिन अंदाज भी नया होगा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, सवाल बहुत कड़क होंगे लेकिन उसके पीछे गुड न्यूज छुपी होगी, इसलिए मुस्कुराहट। बंदे में दम है, और कड़क सवाल कैसे होंगे आशुतोष, समझाइए जरा शो के बारे में, क्या कुछ लेकर आएंगे आप? देखिए, दिन की सबसे बड़ी खबर को हम लेकर आने वाले हैं, और सीधा जो गुड न्यूज के गुनहगार हैं उनको एक्सपोज करने वाले हैं। पूछेंगे हम 7 सवाल, क्योंकि 7 बजे 7 सवाल, यही हमारा थीम। और सबसे बड़ी बात कि जनता से सीधे कनेक्ट करने वाले हैं। जनता जो सोचती है कि काश कोई चैनल ये सवाल पूछता, वो हम पूछेंगे, उस मुद्दे को हम उठाएंगे। यानी कि जो जहन में आपके सवाल चल रहा है, तमाम वो सवाल जो आप सोचते हैं कि ये सवाल उठना चाहिए, आशुतोष उठाएंगे उस सवाल को। बिल्कुल, और हम कहते भी हैं नवजोत कि हर खबर गुड न्यूज नहीं होती, लेकिन हर खबर आपको हताश भी नहीं करती, आपको निराश भी नहीं करती। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आशुतोष चतुर्वेदी गुड न्यूज के गुनहगारों को करूंगा एक्सपोज, पूछूंगा सीधे सुलगते हुए उनसे 7 सवाल। पर आशुतोष, कई बार जब सवाल पूछे जाते हैं तो किसी किसी को थोड़ा सा कड़वा भी लगता है, उसमें मिठास कैसे भरी जाएगी? देखिए, कड़वा अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर है कि शायद हम सच हैं, हम सच्चाई को दिखा रहे हैं, इसलिए उनको चुभती है और चुभनी चाहिए, और जनता इसलिए तो हमसे सीधा कनेक्ट करेगी नौजवान। क्या बात है आशुतोष, मैं आपको जाने नहीं दूंगी अभी। बिल्कुल, क्योंकि हमने अफवाहों से बचने का भी पूरा इंतजाम किया है। वैसे खबरों के सच झूठ की पड़ताल भी होगी।
आशुतोष आप लेकर आ रहे हैं वो तमाम खबरें फैक्ट चेक के साथ। बिल्कुल नवजोत, और 7 बजे 7 सुलगते सवाल तो हम दर्शकों को हम पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरा रोल तुरंत चेंज होगा, मैं बन जाऊंगा FCO यानी कि फैक्ट चेक ऑफिसर आशुतोष। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हमने कहा कि गुड न्यूज से गुनहगार कौन है उनको करेंगे एक्सपोज, ऐसे सोशल जो साइट्स हैं, सोशल मीडिया के जो गुनहगार हैं उनको भी हम करेंगे एक्सपोज 7:30 बजे। यानी कि आज के दौर में रिलायबल खबरें जनता तक पहुंचे उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है, तो हम उस खबर को पहुंचाएंगे, बताएंगे फैक्ट चेक करके कि ये खबर सच है, ये खबर गलत है। और यकीन मानिए ये शो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा आप सभी हम सोशल मीडिया पर आजकल ज्यादा रहते हैं, और वो खबर के साथ किस तरीके से उधेड़बुन होती है, फिर उसके बाद वो जाकर किस तरीके से और किस नजरिए के साथ पहुंचती है, पर उसका सच दिखाना भी बहुत जरूरी है, वो फैक्ट चेक आशुतोष लेकर आएंगे। बिल्कुल, और बहुत बहुत आभार, और हम सीधा इससे इसलिए हमने कहा कि जनता से हम सीधे कनेक्ट करें, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देंगे जनता को। पर नवजोत, मेरे फैक्ट चेक के बाद आप भी तो अगला बुलेटिन लेकर आने वाली है, अच्छी खबर और सच्ची खबर। बिल्कुल, और बहुत सारी अच्छी खबरें होंगी मेरे पास, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आशुतोष थैंक यू सो मच, आपके शो का हमें इंतजार रहेगा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।